गुड आफ्टरनून स्टूडेंट गुड एंड विद्यालय धोरण 8 એની અંદર આપણે આજે કહાની લેખન કરીશું તો કહાની લેખનની અંદર કઈ છે પહેલી કહાની તો કે સચ્ચી માં તો એના મુદ્દા કયા છે તો કે એક નગરમે દો સ્ત્રીયા એક હી પાલક કે લીએ દાવેદાર આપસ મે તકરાર મામલા રહ્યા જિસકે સમક્ષ દોનો કી બાતે સુનના ન્યાય કરના બાલક કે દો ટુકડે કરના एक स्त्री मौन दूसरी का रोकर कहना बच्चे को न काटो उसे ही दे दो न्यायाधीश का फैसला। रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना और सीख। देखो यहाँ माँ माँ के प्रेम के बारे में कहा गया है कि कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है। तो हम कहानी देखेंगे तो के पुराने जमाने की ये बात है। एक नगर में एक गरीब एक बगीचा था। एक दिन एक स्त्री अपने बच्चे को बगीचे में लेकर आई थी। बच्चे को घास पर बिठाकर वह भी उसके पास बैठ गई। वह स्वेटर बुनने लगी। बच्चा उसके पास खेलने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अचानक उस महिला का ध्यान टूटा। उसने देखा कि कोई स्त्री उसके बच्चे को गोद में उठाकर ले जा रही है। वह एक निसंतान स्त्री है। निसंतान यानी उसके पास कोई बच्चा नहीं है। वह उसके बच्चे को चुरा कर ले जा रही थी। बच्चे की माँ उस स्त्री के पीछे पीछे दौड़ी। उसने उसे पकड़ा और उससे उसका बच्चा लेने का प्रयत्न किया। हाँ बच्चा किसका था तो के वो पहली वाली स्त्री का। इस पर वह चोर स्त्री विफर गई। उसने कहा यह मेरा बच्चा है जिसे मैं नहीं दूंगी। इस तरह दोनों स्त्रियाँ उस बच्चे पर अपना अपना दावा करने लगी। दोनों स्त्रियों में तकरार इतनी बढ़ गई कि अंत में मामला अदालत तक जा पहुंचा। न्यायाधीश ने दोनों स्त्रियों की बातें सुनी। उसने न्याय करते हुए कहा कि तलवार से बच्चे के दो टुकड़े कर दीजिए और एक एक टुकड़ा वो दोनों स्त्री को बांट लो। न्यायाधीश के इस फैसले पर निसंतान स्त्री एकदम शांत हो गई। मौन खड़ी रही पर बच्चे की असली माँ तो रोते हुए बोली नहीं बच्चे को काटो मत मुझे बच्चा नहीं चाहिए यह बच्चा उसे ही सौंप दो। देखो ये अपनी माँ है वो जो बच्चे की माँ है ना वो ऐसा बोल रही है। इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा कि इस तरह मेरा बच्चा मर तो नहीं जाएगा। दोनों काट दीजिए। काट के क्या करेंगे कि दोनों बच्चे दोनों स्त्रियाँ एक एक टुकड़े ले लो लेकिन बच्चा तो मर जाएगा ना। तो फिर वो स्त्री बोल रही है उसे काटो मत आप उसे दे दो। चतुर न्यायाधीश समझ गए कि बच्चे की असली माँ कौन है। उनकी आज्ञा से बच्चा रोती हुई स्त्री को सौंप दिया। यहाँ से क्या सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना होता है। अंत में सत्य की ही जीत होती है। सत्य हो सत्य की जीत होती है। तो दूसरी कहानी यहाँ पर है भेड़िए की दुष्टता। तो हम यहाँ पर मुद्दे देखते हैं। भेड़िया नदी किनारे पानी पीने आना मेमने को देखना मुंह में पानी आना बिना बात के झगड़ना मेमने को मार डालना और उसकी सीख। तो कहानी देखते हैं कि एक भेड़िया पानी पीने के लिए किसी नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक मेमने को पानी पीते हुए देखा। मेमने को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। उसने झूठ मूठ झगड़ा करके मेमने को मार डालने का निश्चय किया। जैसे जैसे झगड़ा करके उसको मारने का निश्चय कर दिया। भेड़िए ने ऊंची आवाज में मेमने से कहा अबे मेरा पानी क्यों गंदा कर रहा है। भेड़िए की आवाज सुनकर मेमना डर गया। उसने कांपते हुए कहा हजूर पानी आपकी ओर से बहता हुआ मेरी ओर आ रहा है फिर मैं आपका पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ कि आपकी ओर से बहता हुआ मेरी ओर आ रहा है तो मैं कैसे पानी गंदा कर सकता हूँ। भेड़िए ने गरजते हुए कहा याद है तूने एक साल पहले मुझे गालियाँ दी थी। भेड़िए बोल रहा है कि तुझे याद है जैसे मैं झूठ मूठ का उसको झगड़ा चाहिए। मेमने ने फिर कांपते हुए कहा सरकार मैं तो अभी सिर्फ 6 महीने का ही हूँ एक साल पहले मैं आपको गालियाँ कैसे दे सकता हूँ। भेड़िया आखिर बार टपक कर बोला तूने न सही पर तेरे बाप ने मुझे गालियाँ दी थी। यह कहकर वह मेमने पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। झूठ मूठ का उसको झगड़ा कर लिया और उसको मार डाला। इससे सीख क्या मिलती है हम लोगों को
कि दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, जो दुष्ट व्यक्ति है वो अपना स्वभाव छोड़ते नहीं है, वे किसी ना किसी तरह दोष निकालकर कमजोरों को सताता करते हैं। जैसे कमजोर आदमी है, देखो दुष्ट व्यक्ति है, वो कमजोर आदमी को जैसे जैसे अपने को वो क्या करता है, सताता ही रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को यह अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है।